हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसके दो वीडियो आपको पढ़ाए जा चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, यानी कि जनन से सहायक ग्रंथियां क्या होती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उनका फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा इन ग्लैंड से जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, इन ग्रंथियों से जो तरल निकलता है, जो फ्लूइड निकलता है, रिप्रोडक्शन में, जनन में उसकी क्या भूमिका होती है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज हैं जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में छुपे हुए हैं। ठीक है, तो उन्हीं राज को जो है डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से ऐसे राज हैं। राज का मतलब ये है कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के अंदर उपस्थित होती हैं और वे जो है रिप्रोडक्शन में सहायक होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वास्तव में इनका फंक्शन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है, द सबस्टेंस सिक्रेटेड बाई एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, यानी कि जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हैं, सहायक जनन ग्रंथियां हैं, वहां से क्या होता है, पदार्थ का स्राव होता है। डू नॉट फॉर्म गैमिट्स, लेकिन ये जो यहां से जो पदार्थ स्रावित होते हैं ये गैमिट्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, युग्मक का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन बट हेल्प इन रिप्रोडक्शन, लेकिन ये जनन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये विशेषता होती है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेमिनल वेसिकल्स की। ठीक है, अब इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तो आप पढ़ चुके हैं शुक्राशय। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है उसमें जो ग्लैंड, एक विशेष ग्लैंड पाई जाती है, उसका नाम है सेमिनल वेसिकल्स, जिसको हम कहते हैं शुक्राशय के नाम से जानते हैं। अब शुक्राशय की संरचना क्या होती है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इट इज फॉर्म्ड द वाल्फियन डक्ट ऑफ एम्ब्रियो। आपको हमने एपिडिडाइमिस पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण का भी डेवलपमेंट जो है वो वाल्फियन डक्ट से होता है। तो एपिडिडाइमिस के साथ साथ जो शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल है, इसका भी डेवलपमेंट जो है वाल्फियन डक्ट, एम्ब्रियो के वाल्फियन डक्ट से होता है। इसका फॉर्मेशन भी वाल्फियन डक्ट से होता है। वाल्फियन डक्ट कब उपस्थित होता है, जब एम्ब्रियो स्टेज होता है। इसके अलावा इंटरनली इट इज लाइंड बाई ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी कि अगर हम सेमिनल वेसिकल्स की बात करें तो उसका जो आस्तर होता है यानी कि उसकी जो आंतरिक संरचना होती है, जिसे मान लेते हैं ये सेमिनल वेसिकल्स है, तो इस सेमिनल वेसिकल्स के अंदर का जो लेयर होता है वो किसका बना होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बना होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बना होता है, यानी कि इसको हिंदी में आप कह सकते हैं ग्रंथिल एपिथेलियम का बना होता है। अब ये ग्रंथिल एपिथेलियम है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से कोई ना कोई तरल स्रावित होता होगा। वो तरल क्या होता है, व्हिच सिक्रेट्स सेमिनल फ्लूइड। इन ग्लैंडुलर एपिथेलियम से क्या सिक्रेट होता है, सेमिनल फ्लूइड स्रावित होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शुक्राशयी तरल के नाम से जानते हैं। सेमिनल फ्लूइड इज लुब्रिकेटिंग, जो सेमिनल फ्लूइड होता है वो लुब्रिकेटिंग नेचर का होता है, किसके लिए, स्पर्म के लिए। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होता है। इसके अलावा जेली लाइक सबस्टेंस, और ये किस नेचर के होते हैं, जेली लाइक होते हैं। तो ये जो है, ये जो फ्लूइड होता है ये स्पर्म के साथ मिलकर क्या बनाता है, सीमेन का फार्मेशन करता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बीर के नाम से जानते हैं। तो ये सीमेन का फार्मेशन सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म के मिलने से होता है। कहाँ पे, आपको पढ़ा चुके हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में, अस्खलन नलिका में। इसके बाद में इट इज एल्केलाइन इन नेचर, और इसका नेचर कैसा होता है, तो ये एल्केलाइन नेचर का होता है। इसके अलावा सेमिनल जो वेसिकल्स है ये सीमेन का कुल कितना भाग बनाता है, तो 100% का 60-70 जो परसेंट है वो सीमेन का, वो कौन बनाता है, वो सेमिनल वेसिकल्स से निकलने वाला जो फ्लूइड होता है वो बनाता है। कहने का मतलब ये है कि जो 100% सीमेन है
उस 100% सीमेन का 60-70% भाग जो है वो सेमिनल फ्लूइड ही क्या करता है, बनाता है। एल्केलाइन नेचर के होते हैं ये, इनका पीएच कितना होता है 7.3। सेमिनल फ्लूइड का जो पीएच है वो कितना होता है 7.3 इसका पीएच मान होता है। इसके अलावा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट है ये कहाँ पाया जाता है, सेमिनल फ्लूइड में उपस्थित होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो फ्रक्टोज है वो सेमिनल फ्लूइड के अंदर उपस्थित होता है। फ्रक्टोज एक्ट एज फ्यूल टू स्पर्म, और ये किस तरह से एक्ट करता है, फ्यूल टू स्पर्म यानी स्पर्म के लिए फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है। इसी की वजह से स्पर्म को एनर्जी मिलती है और स्पर्म क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा सेमिनल फ्लूइड के अंदर और क्या क्या होता है, तो फाइब्रिनोजन इसके अंदर उपस्थित होते हैं, ये सब क्या है, प्रोटीन है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रेट, इनोसिटोल, इनोसिटोल एंड सेबरल प्रोटीनियस, सेबरल प्रोटीन आर आल्सो प्रेजेंट इन सीमेन। तो जब सीमेन का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन वगैरह जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रेट, इनोसिटोल एंड सेबरल प्रोटीन इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये था हमारा शुक्राशय जिसको हम सेमिनल वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। दूसरे ग्लैंड की अगर हम बात करें तो उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो आपको हम बता चुके हैं कि जहाँ पर मूत्र मार्ग और अस्खलन नलिका का जंक्शन होता है उसके चारों ओर ये ग्लैंड उपस्थित होती है। दिस ग्लैंड लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, ये ग्लैंड कहाँ उपस्थित होती है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के मूत्राशय के नीचे ये ग्लैंड उपस्थित होती है। इट इज अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड है, जोड़े में नहीं है, एंड मेड अप ऑफ 5 लोब्स इन मैन। मैन यानी कि मेल की अगर हम बात करें तो इसके जो है 5 लोब्स होते हैं, ठीक है, जोड़े में नहीं होते हैं, एक दूसरे से एसोसिएटेड 5 लोब्स यानी कि 5 पालियों का ये ग्लैंड बना होता है। इसके अलावा ईच लोब्स, प्रत्येक पालियां जो होती हैं, ओपन इनटू प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा यानी कि लोब्स से जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पे होती है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में होती है। किसके माध्यम से, थ्रो मैनी फाइन अपर्चर, बहुत सारे सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से, बहुत सारे सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से ये ग्लैंड की जो पालियाँ होती हैं वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन होती है। इसके अलावा इट सिक्रेट स्लाइटली एल्केलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड, एल्केलाइन नेचर के जो फ्लूइड होते हैं प्रोस्थेटिक फ्लूइड कहलाते हैं, और ये जो है प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा में स्रावित होता है, किसके द्वारा, प्रोस्थेटिक लोब्यूल्स के द्वारा। व्हिच इज मिल्की जेली लाइक, कैसा होता है, मिल्की होता है यानी दुधिया होता है, और कैसा होता है, जेली लाइक सबस्टेंस होता है। इट मेक्स अबाउट 30% पार्ट ऑफ सीमेन, सीमेन का ये जो है 30% पार्ट बनाता है। एंड हेल्प इन सीमेन एक्टिवेशन, और ये किसमें सहायता करता है, सीमेन को एक्टिवेट करने में, वीर के सक्रियण में क्या करता है, सहायता करता है। तो सीमेन एक्टिवेशन में इसकी इसकी क्या होती है, भूमिका होती है। इसके अलावा द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्थेटिक ग्लैंड हैज सिट्रिक एसिड, यानी कि जो प्रोस्थेटिक ग्लैंड है वहाँ से स्रावित होने वाला जो तरल है उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है, कैल्शियम होते हैं, फास्फेट होते हैं, और क्लाटिंग एंजाइम होते हैं। क्लाटिंग एंजाइम का क्या काम होता है, इनका काम यह है, इनका फंक्शन यह है कि जो स्पर्म है उसको जमने से, उसके थक्का बनने से रोकने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्लाटिंग एंजाइम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा प्रोफाइब्रोलाइसिन आर प्रेजेंट, प्रोफाइब्रोलाइसिन आर प्रेजेंट, तो ये सब ऐसे कंपोनेंट हैं जो क्लाटिंग एंजाइम की तरह काम करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉपर्स ग्लैंड को। कॉपर्स ग्लैंड कहाँ होती है, प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेट
प्रोस्थेटिक ग्लैंड जो होते हैं यानी कि प्रोस्थेटिक ग्लैंड जो है उसके नीचे, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है, और यूरिनरी ब्लेडर के नीचे यहाँ जंक्शन पर जो यूरेथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट का जो जंक्शन है इसके चारों ओर ये क्या है, प्रोस्थेट ग्लैंड है, प्रोस्थेटिक ग्लैंड है, और इस ग्लैंड के नीचे क्या होता है, कॉपर ग्लैंड उपस्थित होता है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट इज ए पेयर ऑफ ग्लैंड, मतलब ये ग्रंथ जो है ये जोड़े में उपस्थित होती है, फाउंड ऑन लेटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के लेटरल साइड यानी पार्श्व में ये ग्लैंड उपस्थित होती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा के लेटरल साइड राइट लेफ्ट में ये ग्लैंड उपस्थित होती है। अच्छा, इस ग्लैंड को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नेम क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं किसको, कॉपर ग्लैंड को। अच्छा, इसके बाद में इट सिक्रेट्स ट्रांसपेरेंट पारदर्शी स्लाइमी जेली लाइक फ्लूइड, यानी कि इस ग्लैंड से जो है ट्रांसपेरेंट स्लाइमी जेली लाइक फ्लूइड तरल स्रावित होता है, और ये तरल जो होता है यहाँ से निकलने वाला जो फ्लूइड होता है ये स्पर्म के मोटिलिटी में, सीमेन के मोटिलिटी में क्या करता है, सहायता करता है। इट इज एल्केलाइन नेचर, और इसका भी नेचर कैसा है, एल्केलाइन होता है, पीएच कितना होता है, 7.2 होता है, कॉपर ग्लैंड से निकलने वाला जो फ्लूइड है उसका पीएच कितना है, 7.2। इसके अलावा दिस फ्लूइड डिस्ट्रॉय द एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा, मतलब यह है कि जो मूत्र मार्ग की जो अम्लता होती है उसको ये क्या करता है, डिस्ट्रॉयड करता है, नष्ट करता है, जिससे स्पर्म को सीमेन को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि इस मार्ग से क्या निकलता है, यूरिन निकलता है, मूत्र निकलता है, तो उसके कारण बहुत सारे एसिडिक सबस्टेंसेज होते हैं वहाँ पे, तो उनको नष्ट करने के लिए इस फ्लूइड की, कॉपर ग्लैंड के फ्लूइड की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये फ्लूइड क्या करता है, मूत्र मार्ग की जो अम्लता होती है उसको समाप्त कर देता है। इसके अलावा इट आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, और ये पेनिस के लुब्रिकेशन प्रोडक्ट की तरह ये काम करता है। अच्छा, एक बात और आपको समझना है कि वास्तव में सीमेन होता क्या है, कोई आपसे पूछे कि सीमेन क्या है, जिसको हम हिंदी में बीर के नाम से जानते हैं, बीर क्या है, तो आप बताएंगे कि जब स्पर्म के साथ में ग्लैंडुलर फ्लूइड ऐड हो जाता है, स्पर्म के साथ में ग्लैंडुलर फ्लूइड ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है, सीमेन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि शुक्रवाहिनी में क्या आता है, स्पर्म आता है, और शुक्राशय से निकलने वाला तरल जब स्पर्म के साथ मिल जाता है तो क्या बन जाता है, सीमेन बन जाता है। ठीक है, यानी कि शुक्राणु और ग्रंथिल जो तरल होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम बात करें कि एक बार में अस्खलित होने वाला जो सीमेन है उसकी मात्रा क्या होती है, तो 3 से 4 ml इसकी मात्रा होती है, यानी पेनिस से एक बार में स्खलित होने वाला जो वीर होता है उसकी कुल मात्रा कितनी होती है, तो 3 से 4 ml मात्रा होती है। इसका पीएच कितना होता है, 7.3, या किसी किसी बुक में आपको लिखा होगा 7.22, 7.4। अच्छा, इसके बाद में हम अगर इसके संख्या की बात करें तो नॉर्मल स्पर्म काउंट, ठीक है, नॉर्मल स्पर्म काउंट यानी कि जो स्पर्म की काउंटिंग है, एक बार में स्खलित होने वाले वीर में स्पर्म की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि 120 मिलियन प्रति ml, यानी कि 1 ml में लगभग 20 से 120 मिलियन या इससे भी ज़्यादा स्पर्म जो है उपस्थित होते हैं। एक कंडीशन है ऑलिगो स्पर्मिया, ठीक है, ऑलिगो स्पर्मिया, ऑलिगो मतलब क्या होता है, फ्यू यानी कि कम, तो ऑलिगो स्पर्मिया क्या है, ये इनफर्टिलिटी को शो करता है। इनफर्टिलिटी को शो क्यों करता है, क्योंकि जब सीमेन में स्पर्म की संख्या घट जाती है, 20 मिलियन से कम हो जाती है, तो वो व्यक्ति जो है इनफर्टिलिटी को शो करता है, यानी वो फर्टाइल नहीं होगा, इनफर्टाइल होगा। इसके अलावा एजो स्पर्मिया अगला टर्म है, एजो स्पर्मिया, तो एजो स्पर्मिया क्या है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, यानी सीमेन में जब
स्पर्म बिल्कुल भी एब्सेंस होता है, अनुपस्थित होता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद में एक कंडीशन और है, एस्थेनोस्पर्मिया। तो एस्थेनोस्पर्मिया क्या है, रेड्यूस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इन सीमेन, यानी सीमेन के अंदर उपस्थित जो शुक्राणु हैं उनकी गतिशीलता कम हो जाती है। सीमेन के अंदर, बीर के अंदर जो शुक्राणु है उनकी गतिशीलता कम हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। ये भी कंडीशन इनफर्टिलिटी को शो करता है। इसके बाद में है टेरेटोस्पर्मिया क्या है, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म की शुक्राणु की मॉर्फोलॉजी है, बाह्य संरचना है, वो एबनॉर्मल हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं टेरेटोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद में मेल इजेकुलेट्स अबाउट 200 to 30 million स्पर्म, ठीक है, एक बार के स्खलन में लगभग 200 to 300 million शुक्राणु जो है सीमेन के अंदर उपस्थित होते हैं। एक बार के स्खलन में, वीर के एक बार के स्खलन में लगभग 200 to 300 million स्पर्म वीर के अंदर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन और आपको ध्यान रखना है कि फर्टिलिटी के लिए, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए लगभग 100% का जो 60% है, ठीक है, इसे 100%, तो इस 100% का 60% जो स्पर्म होने चाहिए वो नॉर्मल सेफ साइज के होने चाहिए, लेकिन इसके, इसका जो 40% पार्ट होगा वो विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, यानी कि 40% शुक्राणु ऐसे होने चाहिए जो काफ़ी एक्टिव हो, काफ़ी सक्रिय हो, काफ़ी गतिशील हो, ठीक है, तो फिर नॉर्मल फर्टिलिटी जो है हो सकती है। तो ये सब कंडीशन है जो आपको अपने माइंड में रखना है।